implemented. It is the normal case of normal cases. रिड्यूसिंग बेसिस पर जब लोन्स बेसिकली पेमेंट की जाती है तो उसमें कई जो कस्टमर्स है वो पूछते हैं सर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूसिंग है या फ्लैट है। ठीक है, फ्लैट है तो इसका मतलब जो प्रिंसिपल पहले वाला प्रिंसिपल है उसी पे इंटरेस्ट लगता जाएगा। आज इवन यू आर गोइंग टू मेक द पेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल, आप प्रिंसिपल की पेमेंट करते जा रहे हो लेकिन कोई भी इंटरेस्ट इनिशियल वाले पे नहीं, वो क्या बन जाएगा फ्लैट। रिड्यूसिंग में क्या होता है, प्रिंसिपल का अमाउंट हर साल कम होता है, तो जब कम होता जाता है तो उसमें वो इंटरेस्ट जो है भी सामने उस रिड्यूसिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं रिड्यूस। कंपाउंडिंग में क्या होता है, जब आप पैसे इन्वेस्ट करते हो तो जो आपका लास्ट ईयर का अमाउंट आता है उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज नोन एज कंपाउंडिंग। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का पॉइंट केवल तभी आता है जब व्हेन यू आर मेकिंग मोर देन सपोज व्हेन द इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड मोर देन वन इन अ ईयर, साल में एक से ज्यादा बार, दो बार कैलकुलेट करो यानी सेमी, चार बार कैलकुलेट करो यानी क्वार्टर, 12 बार कैलकुलेट करो 52 टाइम्स कैलकुलेट करो डेली कैलकुलेट करो, ठीक है डिपेंड करता है। तो उस केस में इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए is equal to 1 plus r divided by n raised to the power m minus n is the number of compounding or discounting in a year. ठीक है, for example जैसे मैंने यहाँ पे आपको कहा nominal rate of interest 12% है, company provides interest on semi annual basis, साल में कितनी बार देगी 1 plus 0.12 divided by 2 raised to the power